हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे GTA 5 में जोम्बी मोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेप में इंस्टॉलाइजेशन की प्रोसेस को डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे पहला स्टेप है GTA 5 को मोड करना। अगर आपने मेरी GTA 5 मोड कैसे करते हैं वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यही 7 स्टेप है जिसे फॉलो करके आप GTA 5 को मोड कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप है फाइल को डाउनलोड करना। ज़ोंबी वाली फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। अब तीसरा स्टेप है इंस्टॉलाइजेशन। चौथा स्टेप है GTA 5 को ओपन करना। और पांचवा स्टेप है एंजॉय दी गेम। तो चलिए दोस्तों इन 5 स्टेप को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को ओपन करना है। वहां से सिंपल ज़ोंबी वाले लिंक ओपन हो जाएगी। अब डाउनलोड पर क्लिक करिए। दूसरी बार डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। अब दूसरी लिंक को ओपन करिए, ज़ोंबी आउटब्रेक सिम्युलेटर। डाउनलोड पर क्लिक करिए और यहाँ डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारी फाइल्स डाउनलोड हो गई है। अब क्रोम ब्राउज़र को क्लोज कर दीजिए और डाउनलोडेड फोल्डर को ओपन करिए। तो यहाँ पर दोनों डाउनलोडेड फाइल आ गई है। हम इन दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी दोनों फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। दूसरी साइड GTA 5 की मेन डायरेक्टरी को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी ओपन हो गई है। अगर आपने GTA 5 को मोड कर लिया है तो स्क्रिप्ट का फोल्डर बनाया होगा, स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में जाना है। अब राइट साइड ज़ोंबी वाले फोल्डर में आना है। अब इस ज़ोंबी वाली फाइल को कॉपी करना है और GTA 5 की स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में डाल देना है। तो यहाँ पर हमारी फाइल कॉपी हो गई है। अब वापस ज़ोंबी वाले फोल्डर में आना है और दूसरा ज़ोंबी वाला फोल्डर को ओपन करना है, अंदर वाले फोल्डर को ओपन करना है। अब इन दोनों फाइल को कॉपी करिए और GTA 5 की स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमारी फाइल कॉपी हो गई है। हम इन दोनों फोल्डर को क्लोज कर देंगे और GTA 5 गेम को ओपन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं GTA 5 की गेम स्क्रीन पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी गेम लोड हो गई है। नीचे स्टेमिना, थ्रस्ट और हंगर का आ रहा है क्योंकि हमने ज़ोंबी मोड को इंस्टॉल कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम ज़ोंबी मोड को ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए F10 की को प्रेस करिए। तो यहाँ पर सिंपल ज़ोंबी का ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पर सभी को टिक कर देंगे। अब नीचे आएंगे और गार्ड टास्क में गार्ड रख लेंगे। अब वापस ऊपर जाना है और इन्फेक्शन मोड को ऑन कर देना है। तो यहाँ पर पीछे देख सकते हैं सभी गाड़ियाँ गायब हो गई है। तो यहाँ पर हमारा ज़ोंबी मोड ऑन हो गया है। थोड़ी देर वेट करिए ताकि ज़ोंबी आ जाए। तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर सभी ज़ोंबीज आ गए हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं वो सिंपल ज़ोंबीज है। तो चलिए दोस्तों अब हम फास्ट वाले ज़ोंबी लाते हैं। उसके लिए ज़ोंबी सिम्युलेटर को ऑन करना होगा। तो सबसे पहले हमें कोई सेफ जगह पर जाना होगा। तो मैं ऊपर चढ़ जाता हूं। तो ज़ोंबी सिम्युलेटर को ऑन करने के लिए कीबोर्ड में से F6 को प्रेस करना है। तो यहां पर ज़ोंबी आउटब्रेक सिम्युलेटर ऑन हो गया है। यहां पर एरो की वर्क करेगी, उसी को यूज करिए। नीचे आना है सेटिंग में
लैंग्वेज में इंग्लिश रखिए, ज़ोंबी टाइप में आप एंटर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रनर रख रहा हूँ। गेम मोड में इन्फिनिटी, दूसरा रियलिस्टिक आ रहा है, मैं यहाँ पर रियलिस्टिक रख रहा हूँ। अब नीचे आइए, अदर सिनारियो, ऑल नॉन, यहाँ पर मैं ऑल रख रहा हूँ। इन्फेक्टेड जोन में यस कर रहा हूँ। रियलिस्टिक ट्रैफिक में यस कर रहा हूँ। इन्फेक्शन जोन साइज, यहाँ पर आप इन्फेक्शन जोन की साइज को चेंज कर सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, बिग, ह्यूज, वर्ल्ड। मैं यहाँ पर रैंडम रख रहा हूँ। स्पेशल ज़ॉम्बीज को यस कर रहा हूँ। ज़ॉम्बीज बैकडोर, उसे भी डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। अब वापस ऊपर जाना है और स्टार्ट एपोकैलिप्स पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर हमारा ज़ॉम्बी मोड ऑन हो गया है। अब बैकस्पेस को दबा दीजिए ताकि सिम्युलेटर बंद हो जाए। यहाँ पर मैं गेम को खेलने के लिए रेड गियर का गेमिंग पैड यूज कर रहा हूँ। तो आगे चल के देखते हैं हमारे फर्स्ट वाले ज़ॉम्बी आए या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक ज़ॉम्बी लग गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ज़ॉम्बी वर्ल्ड में कोई भी कार वर्क नहीं करती। तो चलिए दोस्तों अब हम ज़ॉम्बी को मारेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही गेमिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।